नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है, और ये शख्स नालासोपारा में शख्सियत का नाम उस तरीके से है जिसमें उत्तर भारतीयों का जिक्र जब होता है तो इस आदमी का नाम भी बहुत आगे आ जाता है। नाम है संजय पांडे। इन्होंने जिस प्रकार से एम्बुलेंस के माध्यम से, गरीब लोगों की सहायता के माध्यम से, उन लोगों की आवाज़ को उठाने के हमेशा प्रयास में रहे हैं जिन लोगों की आवाज़ दबती नजर आई, जिन लोगों की आवाज़ पीछे होती नजर आई। इस समय पालघर थाना विभाग के जिला सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सवाल ये है ना कि आखिर बहुत लोग अवसरवादी राजनीति भी करते हैं, ये जब राजनीति में उतरे तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? क्या इसीलिए कि हम पालघर और जिला थाने के विभाग सचिव बन जाएं इसलिए, या और सारे कुछ, उसका सच क्या है? ये सब हम सीधी बात के कार्यक्रम में जानेंगे। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि इनका नाम भी नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से अग्रणी में है, या आप कह सकते हो कि संचालन में या चालन में या चलन में इस समय बहुत तेज है, लोगों की जुबान में भी है और कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों में भी दबती और उठती बात में नजर आता है। देखना यह होगा कि किसको टिकट मिलती है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम आज भी इनसे बातचीत करके एक बात तो स्पष्ट कर लेंगे कि आखिर इनका व्यक्तित्व तो कैसा है, राजनीति कैसे करते हैं, दल क्यों पकड़ा और अब तक का सफर में कितनी सच्चाई रही, बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले देखिए इनके राजनीति सफर का छोटा सा क्लिप। इस क्लिप में आप समझ जाएंगे कि संजय पांडे आखिर है कैसा व्यक्तित्व, इन्होंने अब तक कौन कौन से काम किए। इस एक मिनट के क्लिप में आप समझ जाएंगे संजय पांडे क्या है। उसके बाद मिलते हैं सीधी बात के कार्यक्रम में, बस थोड़ी देर में। जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, और एक ऐसा व्यक्तित्व है नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिसने जमीनी हकीकत के साथ में राजनीति को अपनाया। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप को लीन रखते हुए उन लोगों के लिए काम किया जो दबे हैं, असहाय हैं। कई लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाना और अस्पताल में भी उनकी सहायता करना ये व्यक्ति का पेशा है, और इस व्यक्ति ने अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में कम बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में लीन रखा है। नाम सुन लीजिए, नाम है संजय पांडे। और संजय पांडे का व्यक्तित्व ये है जिसने भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित किया और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें थाना पालघर जिले का सचिव बना दिया। विभागीय सचिव हैं, लेकिन इस विभागीय सचिव पद के अलावा भी समाज में एक समाज सेवी के रूप में अपने आप को विराजित कर रखा है। युवाओं के बीच में बैठक इस प्रकार बनाई है कि युवा भी इनके कायल है। बुजुर्गों के बीच में इस प्रकार की बैठक बनाई है कि बुजुर्ग भी आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रहे हैं। नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों इनकी भी खासी चर्चा है कि विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी ये भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हो भी क्यों ना। लगातार जनता के बीच बैठक उठक और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चले हैं संजय पांडे, उस तरीके से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, लगातार काम करने वाला कार्यकर्ता ही ऐसा कार्य कर सकता है, और संजय पांडे के अंदर ये खूबी नजर आ रही है। लगातार जनता के बीच में काम करते करते जिस प्रकार से बजरंग प्रतिष्ठान के माध्यम से भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो वाकई प्रशंसनीय है। हमने समय समय पर देखा है उन लोगों के लिए काम जिन लोगों की सहायता करने के लिए समाज में हाथ कभी कभी पीछे हो जाते हैं, उनके लिए संजय पांडे ने अपने हाथ को आगे किया है। अब देखना यह होगा कि समय आते आते भविष्य में किस प्रकार से ये राजनीति करते हैं, किस प्रकार से लोगों के बीच में अपनी बैठक बनाते हैं और कितना ये सब कुछ कायम रख पाते हैं, जिसकी वजह से आज चर्चा में संजय पांडे। आइए सीधी बात की कार्यक्रम में मुलाकात करते हैं उनके जीवन शैली पर, इनके व्यक्तित्व पर, इनके इतिहास पर, आगे के लक्ष्य पर। आइए हम बातचीत करते हैं इस सीधी बात के कार्यक्रम में संजय पांडे से। नमस्कार, हाजिर है सीधी बात के कार्यक्रम में। थोड़ी देर पहले आपने एक क्लिप देखी, इस क्लिप में संजय पांडे को आप समझ चुके होंगे, आप जान चुके होंगे कि संजय पांडे का व्यक्तित्व और यह है कैसा व्यक्ति। आइए हम सीधे उनसे मुलाकात करते। एक बात रह गई थी, वो बात आपसे बता दें कि एक एनजीओ भी चलाते हैं, नाम है बजरंग प्रतिष्ठान। इस बजरंग प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी हैं। थोड़ी क्लिपों में आप भी समझ चुके होंगे कि बजरंग प्रतिष्ठान के माध्यम से कौन से काम किए, लेकिन आप सीधे बातचीत करते हैं। आइए जी, नमस्कार। होता क्या है कि राजनीति में उतरने वाले अक्सर लोग, उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। ये पहला सवाल मेरा हर आदमी से होता है। जब आप राजनीति में उतरे तो आपके अंदर भी यही था कि पद प्रतिष्ठा लोभ लालच मंच माला ताली हार मिल जाए बहुत सारा, बस यही सब
और समाज सेवा कहीं नहीं, इसलिए राजनीति में उतरे थे या किसी और चीज़ के लिए? राजनीति में तो मैं इसके लिए उतरा कि पब्लिक सेवा कर सकूं, पब्लिक में जा सकूं, और लोभ लालच तो कुछ था ही नहीं मुझे, पहले से मिला हुआ है सब फैमिली से ही, तो उसमें लोभ लालच था ही नहीं, पब्लिक की सेवा होएगा, दुआ मिलेगी, इसीलिए मैं राजनीति में उतरा। ये मोदी जी जब स्टार्टिंग में जब उनका पीएम का ये हुआ डिक्लेरेशन हुआ, तो उसमें मोदी जी मुझे पसंद थे पहले से, मतलब मैं पहले बजरंग का नाम बताया तो वो है ही उसमें, तो हिसाब से मोदी जी के लिए मैं उनके इलेक्शन के प्रचार के लिए उतरा, यहाँ भी किया और महाराष्ट्र में भी, उनके लिए यूपी भी गया, और यूपी में भी मेरे 150-200 लड़के लोग सब साथ में, बोरली से लेके वसई के लड़के लोग जाके उनके लिए प्रचार किए बनारस में। सवाल यहाँ उठता है कि आपने मोदी को 2014 में उनके साथ मोदी जी को डिक्लेरेशन किया और आप भाजपा में शामिल हो गए, ठीक है ना? 2014 में बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, पूरे भारत में कई प्रचंड बहुमत भी मिला, कई लोगों ने वोट वो भी डाला जो कभी नहीं डालते थे भाजपा को। सवाल यहाँ पर है कि जब आप भाजपा में आए तो सिर्फ इसलिए आए कि लहर है आओ हम भी चलें, भाजपा तो उसमें लड़खड़ाती भी नहीं थी, जब लड़खड़ा रही थी भाजपा तब आप भाजपा में नहीं थे, जब भाजपा की लहर आई तब आप आ गए? वो टाइम भाजपा की लहर थी नहीं, मोदी जी का खाली नाम चल रहा था, लेकिन मोदी जी का नाम हम लोग ने, हमें भी पसंद थे वो, तो हम लोग ने वो टाइम लहर थी नहीं, वो जीते थे बीजेपी, वो टाइम जीती भी नहीं थी, तो मोदी जी के लिए हम लोग बीजेपी में आए हैं। नाला सुपारा में बीजेपी को खड़ा करने में कितना योगदान रहा आपको? नाला सुपारा में जब मेरे को नगर सेवक टिकट मिला, 8 दिन पहले संतोष भवन से टिकट मिला था नगर सेवकी का, तो वो टाइम मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे बीजेपी वाला कोई मिला ही नहीं, वहाँ कोई था ही नहीं, तो संतोष भवन में उतर के फिर मेरे हिसाब से मैंने 8 दिन ऐसे काम चालू किया, और बहुत अच्छे संख्या में मुझे वोटिंग भी मिली, वहाँ पब्लिक का सपोर्ट मिला, और मुझे हारा वो कुछ दुख नहीं है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट मिला है इसमें मुझे आनंद है। अच्छा, और सारे दलों में आपने कहा मोदी जी को डिक्लेरेशन किया, क्या यही एक वजह थी कि मोदी जी इसलिए भाजपा, मोदी नहीं तो भाजपा नहीं? वो तो सही है, मोदी जी है इसीलिए भाजपा भी है, और भाजपा एक अच्छी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास सबको लेके चलती है, इसलिए मुझे पार्टी पसंद है। आपको विचारधारा भी पसंद है भाजपा की। चलिए अगला प्रश्न मेरा आपसे, कितना आपने अब तक बजरंग प्रतिष्ठान के माध्यम से और अपने माध्यम से कितना जनता के लिए ऐसे काम किए जिसको आप बताएं तो हम माने कि हाँ आपने समाज सेवा की है? बजरंग प्रतिष्ठान के नाम से मैं यहाँ कैंप लगवाता था, मेडिकल कैंप्स वगैरह, एम्बुलेंस, और जो समस्या कुछ भी किसी की रहे तो उसके लिए मैं सबसे पहले खड़ा होता हूँ, और आप किसको भी पूछेंगे, नाला सोपारा से लेके वसई धानी वाक से लेके वसई ईस्ट में, इधर मेरे को ही जाना पड़ता है, दूसरा कोई आता ही नहीं उधर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपने कहा एम्बुलेंस, आपने कहा कि गरीबों की सहायता करना, हम कितने काम ऐसे माने जो पार्टी से अलग हटकर आपने स्वयं अपने बल पर किए हैं, चाहे वो शिक्षा देना हो, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाना, आपने मेडिकल कैंप का जिक्र किया, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे आंदोलन थे, ऐसे मजबूत मोर्चे थे इसको लेकर आप चले और आपने सफल किया? हमने सबसे पहला बीजेपी का मोर्चा लेके गए थे पेलार नगर पालिका, उसमें पानी की समस्या थी, उसमें हमारे जो वरिष्ठ केदार मात्रे जी थे जो जिला उपाध्यक्ष थे वो टाइम, और विष्णु सावरा जी जिला अध्यक्ष थे वो टाइम, जो पालक मंत्री अभी हमारे वरिष्ठ है वो थे, तो वो मोर्चे वगैरह और केदार मात्रे जी के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ करते गए, उनको मैं गुरु मानता हूँ जी। आपने किया वो मोर्चा, तो पानी आ गया और बहुत सारी समस्या भी दूर हुई मोर्चे से। अच्छा, और क्या करना चाहते हैं आगे? आपने सोचा होगा ना कि आई हैव टू डू दिस, मतलब अगर आपके पास पद आ जाए या ना भी आए, लेकिन आप भविष्य में जनता के लिए ये करना चाहते हैं, वो क्या? जनता के लिए जो जनता की समस्या है, पहले तो जनता की समस्या घर, जो गरीब लोगों के बोलो, गरीब लोगों के लिए घर, अभी देखो बीच में कितना नुकसान हुआ है, लोग नगर पालिका वाले ने उनका घर तोड़ा जो इनलीगल में थे, तो उनके लिए कुछ ऐसा माड़ा सिस्टम वगैरह में सिस्टम करे, और जो इनके समस्या है हॉस्पिटल्स हो गए या वगैरह, इसमें उसे उनको मदद करूंगा मैं। अच्छी बात है कि जिन लोगों का घर नहीं मिला उन लोगों घर के लिए और हॉस्पिटल जो भी है आप करेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि इस समय के वर्तमान विधायक युवा हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष के पुत्र हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है उन्होंने ठीक ढंग से काम किया नाला सुपारा में जिस प्रकार से होना चाहिए था? काम तो किया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि वो कभी दिखे ही नहीं यहाँ हम लोग किसी के, गरीबों के यहाँ या कुछ काम में ऐसा।
काम होता तो फिर आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी पब्लिक का विरोध करने के। नगर रोज दिन ब दिन नगर पालिका में मोर्चे जा रहे हैं, लाइट्स के हो गए, पानी के हो गए, रोड के हो गए, गटर के हो गए, तो काम तो दिख ही रहा है। और आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, यानी ये स्पष्ट है कि इस समय के वर्तमान विधायक काम करने वाले नेता नहीं। काम तो किया ही नहीं उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय देखा जाए तो, हालांकि यहाँ जो क्षेत्र है वो वहाँ बहुजन विकास अघाड़ी का स्थापित एक अलग साम्राज्य है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और राज्य में है। क्या लगता है आपको, ठीक ढंग से काम किया जिस प्रकार से होना चाहिए? तो हमारे वसई विरार में तो काम ठीक से मतलब बीजेपी का हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार लोग समाज सेवा के क्षेत्र में जब उतरते हैं तो उनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है वो बहुत प्रेरणादायक होती है। वही कहते हैं कि बेटा आप आगे बढ़ो, आप समाज के लिए कुछ करो। तो जब आप समाज के लिए उतरे तो परिवार का कितना साथ रहा और कितना आपको संघर्ष देखना पड़ा, जरा कुछ बताइए। उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक का सफ़र, फिर यहाँ पर लोगों के बीच में स्थापित होना, उत्तर भारतीय एक चेहरा बनना, ये सब एक संघर्ष होता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं क्षेत्र में, वो लोग भी आगे आ रहे होंगे। आप आगे कैसे आए, क्या क्या संघर्ष देखना पड़ा, जरा कुछ जिक्र करिए उसका। मेरा तो बचपना इधर ही गया, महाराष्ट्र में गया हूँ। बचपन में गोखिरा गांव है, वही मेरा पैदा हुआ हूँ। और महाराष्ट्र से तो मेरा दिल का लगाव है, और यही जो यहाँ बचपन से है यहाँ, मुझे बढ़िया महाराष्ट्र का मतलब लोग बढ़िया लगे, प्यार मिला। और उत्तर भारतीय तो मेरे है ही भाई, उनके लिए तो मैं खड़ा हो रहा हूँ खास। नहीं, जब यहाँ पर जब आप खड़े हो रहे थे, आगे आ रहे थे, तब कोई संघर्ष का सामना करना पड़ा, लोगों ने आपको रोका या आपको नीचे करने की कोशिश की या टॉर्चर करने, कभी हुआ ऐसा? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि उनको मैं पूरा पढ़ जाऊँगा जो मेरे आगे आएंगे तो जी। हाँ, जैसा वो मेरे को प्रश्न करेंगे उसका जवाब भी मैं दूंगा। उत्तर भारतीयों का भी आपने जिक्र किया था और मैंने भी किया, तो क्या लगता है उत्तर भारतीयों के साथ उस तरह का सुलूक होता है यहाँ पर, जिस प्रकार से एक माहौल बना है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ नाइंसाफी होती, क्या ऐसा होता है? वो तो होता ही है, नालासोपारा में बोलो या मुंबई में बोलो, तो भेदभाव तो होता ही है। क्योंकि अभी उत्तर भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या नालासोपारा में है, तो वहाँ जो उत्तर भारतीय किसी को भी, मुझे या अलावा किसी को भी टिकट मिले तो वही जीत के आ सकते हैं वहाँ। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, क्या लगता है आपको इस समय की राजनीति नालासोपारा के लिए, और एक युवा चेहरा के रूप में जब आप आके आते हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए, क्या लगता है कि नालासोपारा के को क्या पूरी तरह परिवर्तन करना चाहिए, और किसी युवा चेहरा को देखना चाहिए तो क्यों देखना चाहिए? नालासोपारा में अभी ये बीजेपी को 30-35 साल समझो हो ही गए, लेकिन परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं। इसके लिए वहाँ के सब पूरे चेंज करके युवाओं को चांस देना चाहिए, और युवा ही वहाँ कुछ कर सकते हैं। पर उन लोगों का सामना कर पाएंगे जो बहुत सालों से साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं? नहीं, उनको भी साथ में रखना है। उनको अगर बहुजन विकास अघाड़ी को साथ में रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं सवाल मेरा ये था कि बहुत सालों से जो साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं उनका सामना कैसे कर पाएंगे वो युवा, जो नव युवक होगा उसके दिमाग, आप ही को, तो आप सामना कर पाएंगे उन लोगों का पूरी तरह? सामना कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वो भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं, और हमारी सरकार भी है, देश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और वो लोग से हम लोग डरते नहीं है। एक संदेश आपकी तरफ से लोगों के लिए, जो हम माने कि हाँ संजय पांडे ने कोई संदेश दिया था, मैसेज दिया था, जिसको लोगों को मानना चाहिए आपके हिसाब से? 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जीता है, और पूरा महाराष्ट्र नालासोपारा हो गया या वसई विरार हो, उनका मतलब उनको बचा है, यही बोलना चाह रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। 35 साल तो देख ही लिया है, अभी 5 साल और देखे अब भाजपा आनी चाहिए, धन्यवाद। लगभग सारी बातें हुई, सारी बातों में एक बात तो स्पष्ट है कि संजय पांडे लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो लोग अपनी आवाज़ को दबा महसूस करते हैं, और ख़ासकर जिन लोगों के पास घर नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी है। हॉस्पिटल्स कमी का मतलब जो अपनी चिकित्सा व्यवस्था उन तक नहीं पहुँच पाती है, उनको मुहैया कराने के लिए भी आप आगे आना चाहते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि उत्तर भारतीयों के मना मुताबिक किसको टिकट मिलती है, और अगर संजय पांडे को मिलती है, संजय पांडे किस तरह से लड़ते हैं और किस तरीके से अपने आप को आगे रखते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।